अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्यों काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वजह आपको शायद नहीं पता होगी। पेपर्स बार बार आ जाते हैं, पेपर्स दिए तो अभी ख़त्म हो गया सब, तो आज व्लॉग थोड़ा स्टार्ट करना है, तो लेट्स गो। अभी मैं एबटाबाद तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे हरिपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। एबटाबाद की गर्मी इतनी, मुझे लगता है इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी यहाँ पे है, तो अभी वहाँ भी जहाँ पर चलेगा कि गर्मी है या नहीं। तो नाउ हेड टूवर्ड्स एबटाबाद, तो कॉम्स में जा रहे हैं डायरेक्ट। तो अगर ड्रोन अलाउ हुआ तो शशके भी आएंगे इंशाल्लाह। यार अगर कैनन ये वाला मेरा वाला मॉडल अगर 120 FPS सपोर्ट करता ना, लिटरली ऐसे शॉर्ट्स आए हुए थे जहन में जिनको 120 FPS ही शूट कर सकते हैं। 60 FPS मज़ा नहीं करता ना, 120 FPS की अपनी बात है। एबटाबाद जाने के दो रास्ते हैं, एक शायद रेशम है और एक मोटरवे है। वहाँ से भी जाना वही है, यहाँ से जाना वही है। जाना तो है ही एबटाबाद, तो टाइम तो मतलब मोटरवे पे जल्दी आप पहुँच जाते हो, लेकिन वो भी आपको जल्दी पहुँचा देता है। असल में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ। एक्चुअली मुझे जाना है कॉन्सर्ट्स में, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, शायद नहीं बताया हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सर्ट्स में, दुबई का कोई इवेंट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 9:40 हो गए हैं, मुझे लाजमी 10 बजे तक पहुँचना है। मैं सब हज़ारा मोटर वे पे हूँ, बस दुआ करें, बस दुआ तो क्या, बस पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। यार ये मोटर वे पे भी यार इस तरह रश होता है यार, कसम से। ये मैं दूसरी बार है, मैं पहले ईद पे आया था तब भी थी, अभी बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा रश होगी यार। यहाँ पे बहुत काम स्लो है, इस वजह से मैं लेट हो रहा हूँ आज, इस वजह से, इस ट्रैफिक की वजह से। यार इधर हवेलिया में भी बहुत ट्रैफिक थी, अभी ट्रैफिक से बाहर निकले हैं। अयूब पुल आ गया है इस वक्त, अब बस अयूब पुल के पास है, इंशाल्लाह 10-20 मिनट तक पहुँच जाएंगे। यार शुक्र है मैं अभी कॉन्सर्ट में पहुंच आया हूँ, लेकिन 2 घंटे में पूरा लेट हूँ। अभी मुझे लाजमी है वहाँ हॉल में पहुँचना और अपने दोस्त से मिलना है, बाकी पूछूँगा क्या सीन है, बस आगे मिलते हैं आपको हॉल में। सेट्स के मालिक जनाब इकराम उल हक शाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? अपना व्यू दे दिया हसन भाई। ये वो चेहरा है जी, हम लोगों ने 5 इवेंट एक साथ किए हैं, कोई 20 इसने वीडियो बनाई है, आज तक एक व्लॉग नहीं आया ना, उसमें मैं आया हूँ, फजूल तरीन व्लॉगर। ये हम पीछे चल रहे हैं, ये हम पीछे ही चले और किधर चले। अभी ये व्लॉग आएगा, ये व्लॉग आएगा, ये सारे भाई मेरे गवाह है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है। आजकल इसकी जो है लाइन लाइन एंड लेंथ हुआ है वाबराज की तरह चेंज हो गई, तो इससे बच के रहे बस मुका। तारीफ तब पे तारीफ, वो भी कौन से एबटाबाद में। अच्छा। यार ये लड़का अच्छा आगे, क्या खूबसूरत लड़का है यार, क्या खूबसूरत जवान है यार, ये लड़की कहते तो फिर ना मुड़, प्लीज यार दे देखें आपने लड़का, यार क्या खूबसूरत जवान हो यार तुम, खूबसूरत। थैंक यू। कोई अपनी खूबसूरती का राज बताओ। गोल्डन बार, गोल्डन बार। मोहित भाई मेरी तो 1 फोटो नहीं बढ़ाई, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा आज का। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आप आपकी फोटो बनाऊं मैं? हां, और मेरे सर को भी इतना दर्द है कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपको एक दो लगा ही दूं। आपको एक दो लगा जाऊंगे, आपने जो मेरी एक फोटो नहीं बनाई है। अस्सलाम
السلام علیکم جی، میرا نام ارزش اعظم ہے، اسٹارٹ اپ گرینڈ اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایبٹ آباد انوائٹ کیا تھا کوڈ میٹکس حماد ملک احسن صاحب نے گوگل آئی ایکسٹینڈڈ کے لیے. امیزنگ ایکسپیرینس، بڑی اچھی کمیونٹی ہے، بڑی ٹیک انیبلڈ کمیونٹی ہے، اور میں حیران ہو گیا کہ اتنا ٹیلنٹڈ یہاں پر ٹیلنٹ اتنا بیٹھا ہوا ہے، خاص کر ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں، اور امیزنگ ویدر، امیزنگ پیپل. آئی تھنک مطلب اگر کوئی سلیکن ویلی ہوئی پاکستان کی تو پرابلی یو نو ایبٹ آباد، اسلام آباد، ہزارہ ریجن میں ہوگی، اور یہاں پر اور کام ہونا چاہیے. کافی اچھا کے پی آئی ٹی بھی کام کر رہے ہیں، سارے پلیئرز یو نو مل کے ٹیک ویلی والے جتنے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اوور آل اور انیبلمنٹ ہونی چاہیے. اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسٹارٹ اپ گرینڈ کا یہاں پر چیپٹر ہے، باقی بھی کمیونٹیز ہوپ فلی یہاں اسٹارٹ ہوں اور زیادہ جو ہیں کائنڈ آف لرننگ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں گی. کافی اچھے یار بندے ہیں، میں فرسٹ ٹائم ان سے مل رہا ہوں. اتنے اچھے نہیں ہیں؟ نہیں، اچھے تو دیکھیں ہر انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ خود اچھے ہیں اس لیے آپ کو نا اگلا بندہ بھی اچھا لگتا ہے. میں ان سے فرسٹ ٹائم ملا ہوں، ان کا نام میں نے کافی سنا ہوا تھا، تو کافی امیزنگ ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ. تھینک یو سو مچ اجیش بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم یونیورسٹی آف ہری پور کے لیے بھی انوائٹ کریں گے جب آپ بلائیں گے، تو آپ حاضر ہیں ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ اجیش بھائی، ان شاء اللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی.